चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से चौंकाने वाली जानकारी भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पूरा देश चंद्रयान 3 को भूल ही चुका था, लेकिन तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर फिर से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने लगा। 4 सितंबर का दिन भारत के चंद्रयान मिशन का चांद पर आखिरी दिन था, क्योंकि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद बगल में प्रज्ञान रोवर भी गहरी नींद में सो गया था। दोस्तों, 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाके में गहरा अंधेरा हो जाने वाला था, इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप को ठंड से बचने के लिए विक्रम के बगल में सो गया। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में पड़ गए हैं। लाइक दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमारे चंद्रयान 3 ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चर्चा में आ गई, और क्या यह खोज भारत को एक सुपर पावर बन सकती है। इन सब जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जैसे कि हमने सोचा था कि 22 सितंबर को दिन निकलेगा और अपना चंद्रयान 3 फिर से एक्टिव हो जाएगा और तुरंत ही काम करना भी शुरू कर देगा, लेकिन जैसा लोगों ने सोचा और वैज्ञानिकों ने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। दोस्तों, चंद्रयान 3 को वैज्ञानिकों ने जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन चंद्रयान 3 की ओर से कोई भी सिग्नल उसे समय रिसीव नहीं हुआ। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी और चांद की सतह पर लगभग 10 दिनों तक विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि चंद्रयान 3 के विक्रम और प्रज्ञान को 14 दिनों तक चांद की धरती पर एक एक्सपेरिमेंट करना था। लेकिन ऐसे में भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने उम्मीद से ज्यादा काम किया था। विक्रम लैंडर लगभग 12 दिनों तक चांद की सतह पर एक्टिवेट था, जबकि प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर के दिन ही स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद विक्रम लैंडर को 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में डाला गया था। लेकिन ऐसे में भी उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को चालू रखा गया था, जिससे कि आप जान पर सुबह हो तो जब वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए तो उसको रिसीव करके जाग जाए, अपने मिशन को फिर से शुरू करके पूरा कर सके। क्योंकि चांद की सतह पर अभी तक चंद्रयान 3 का प्रज्ञान पानी की खोज नहीं कर सका है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से एक्टिवेट होने की उम्मीद जताई थी। 4 सितंबर के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात हो गई थी। चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग और 14 दिनों तक सतह का डेटा भेजने वाले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। चंद्र रात में स्लीप मोड में डाले गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसरो दोबारा एक्टिव करने की कोशिश में है। इस बीच ताजा अपडेट में बताया कि भले ही अभी विक्रम और प्रज्ञान से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके ऑर्बिटर में लगाया गया पेलोड, जिसे स्पेक्ट्रोपोलारिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट शाइप कहा जाता है, वह अच्छी तरह काम कर रहा है। इसरो के मुताबिक यह अभी 1 साल तक जानकारी भेजता रहेगा। भारतीय स्पेस एजेंसी आइसरो ने बताया था कि 22 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सवेरा होने लगा है। उम्मीद थी कि सवेरा होने के बाद लैंडर और रोवर सिग्नल भेजना शुरू कर देंगे, लेकिन सिग्नल नहीं आया, इससे लैंडर और रोवर से संपर्क टूट गया। अभी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात होने में 1 सप्ताह का समय शेष है। इसरो को उम्मीद है कि इन परिस्थितियों के बाद भी कुछ सकारात्मक सूचना मिलेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आइसरो की ओर से कहा गया कि चांद पर भेजे गए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अभी भले ही सिग्नल नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां ले जाने वाला ऑनऑर्बिटर अब भी चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। इसरो का कहना है कि यह पेलोड आने वाले कई दिनों तक पृथ्वी और चांद के अलावा भी कई जानकारियां साझा करता रहेगा। ऑर्बिटर में लगाए गए पेलोड से मिल रहे डेटा को इसरो ने महत्वपूर्ण बताया है। यह चंद्रमा का अध्ययन करने के अलावा चंद्रयान 3 एक्सोप्लेनेट, हमारे सौर मंडल से परे तारों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों पर
जीवन की संभावना के अध्ययन में भी सहायता कर रहा है। TUI की एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 प्रोपल्शन मॉड्यूल पर वैयानिक उपकरण जिसे शेप हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ की स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री के रूप में जाना जाता है प्रभावशाली 52 दिनों से चंद्रमा की सफलतापूर्वक परिक्रमा कर रहा है। इस दौरान इसने पर्याप्त डेटा एकत्र किया है और अपना संचालन जारी रखने के लिए तैयार है। चांद पर विक्रम और प्रज्ञान से इसरो को कोई सिग्नल नहीं मिला है। 14 दिन उजाले वाले तेजी से बीत रहे हैं, अब केवल 7 दिन बचे हैं। चांद पर अगर वे दोनों नहीं उठे तो हमेशा के लिए वहीं सो जाएंगे। इसरो को उम्मीद है कि शायद कोई चमत्कार हो और वे फिर से एक्टिव हो जाएं। ये 14 दिन भारतीयों के उधेड़बुन में कट रहे हैं। चांद पर सोए विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान की कोई खबर नहीं है। विक्रम का सिग्नल मिलते ही इसरो देशवासियों को खुशखबरी देगा, पर अफसोस 7 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, चांद पर धरती के 14 दिनों के बराबर एक दिन होता है। इसमें आधा समय बीत चुका है, यानी लैंडर और रोवर के उठने के लिए आधा दिन ही बचा है। अगर ये 7 दिनों में नहीं उठे तो वे हमेशा के लिए भारत के दूत बनकर वहीं रह जाएंगे। एक्सपर्ट बताते हैं कि चांद पर रात होने के बाद तापमान 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगर प्रज्ञान नहीं उठा तो साफ है कि बर्फीली रात में दोनों दूतों की बैटरियों को नुकसान पहुंचा होगा। हो सकता है वे गल गई हों। इसरो के पूर्व चीफ किरण कुमार ने कहा था कि उन्हें इतना एक्सट्रीम मौसम झेलने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। चांद पर एक दिन के लिए डिजाइन किए गए चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर अपना काम पूरा करने के बाद सो गए थे। उन्हें रात बीतने के बाद 22 सितंबर को एक्टिव होना था, लेकिन यह इंतजार अब भी हो रहा है। इसरो लगातार अपने लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। चांद पर 6 अक्टूबर को रात होनी है, यानी समय हाथ में रेत की तरह फिसल रहा है। चंद्रयान पर इसरो ने आखिरी अपडेट 22 सितंबर को दिया था। वैसे चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से सफल रहा है। उसे जो काम करना था वो पूरा हो चुका है। ऐसे में अब विक्रम और प्रज्ञान के उठने की उम्मीद बिल्कुल कम है। हालांकि इसरो अंधेरा होने तक वेट करेगा। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है तो नीचे दिए गए कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे बहुत चंद्रयान के बारे में जान सके। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में।